महागठबंधन जो कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी और साथ ही आरएलडी ने फॉर्म किया था, ये कहा गया था कि बीजेपी के वोट शेयर में बड़ी सेंधमारी कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी एग्जिट पोल के जितने भी नतीजे आए हैं उसमें होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि कुछ ऐसे एग्जिट पोल जरूर हैं जो हम आपको अभी दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए, जो ये बता रहे हैं कि महागठबंधन को कुछ सीटें ज्यादा मिल सकती हैं बीजेपी के मुकाबले, लेकिन जो हमारा एग्जिट पोल है एक्सिस माय इंडिया सर्वे उसमें बीजेपी को साफ तौर पर बढ़त, महागठबंधन के मुकाबले 62 से 68 सीटें बीजेपी की ओर, जबकि सिर्फ 1 से 2 सीटें कांग्रेस को यहां पर एक्सिस माय इंडिया में, और महागठबंधन को 10 से 16 सीटें, यानी कि जो बुआ और बबुआ का जो एक मेल हुआ था, और आज सोयाबीन ने तस्वीर देखी थी, आपको बता दें कि दोनों एक साथ आए थे, उन्होंने आगे की रणनीति पर विचार करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं वो दरअसल इसलिए क्योंकि ये वो एक ऐसा राज्य है यानी कि 80 सीटों वाला राज्य जिसमें पिछली बार बीजेपी ने 73 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार 62 से 68 यानी कि सीटें कम हुई है। लेकिन साथ ही यहाँ पर ये भी तस्वीर साफ हो रही है कि महागठबंधन को ज्यादा फायदा नहीं मिला है। हम आपको बता दें कि ये जो तमाम ग्राफिक्स हम आपको आज दिखाएंगे वो अलग अलग सर्वे एजेंसीज ने किए हैं। अब हम आपको सी वोटर का सर्वे दिखा रहे हैं जिसमें बीजेपी को 38 सीटें मिल रही हैं और यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें जबकि महागठबंधन को 40 सीटें, यानी कि अगर एक्सिस माई इंडिया के सर्वे से इसकी तुलना की जाए तो लगभग दोगुनी सीटें महागठबंधन को और बीजेपी को लगभग आधी सीटें, यानी कि ये एक ऐसा सर्वे है जो महागठबंधन को फायदा सीधे तौर पर पहुंचा रहा है। हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये एक ऐसा राज्य है जहां पर आरएलडी एसपी बीएसपी ने गठबंधन किया, लेकिन इस गठबंधन में भी हमेशा अपर हैंड मायावती का ही दिखाई दिया क्योंकि उन्होंने ही तय किया कि किस जगह पर कौन सा उम्मीदवार उन्हें उतारना है। उसके बाद ये तय किया गया समाजवादी पार्टी की ओर से कि वो जो सीटें बची हैं वहां पर कौन सा उम्मीदवार उतारेंगे। अब हम आपको दिखा रहे हैं वीएमआर का सर्वे, इसमें बीजेपी को 58 सीटें दी गई हैं, कांग्रेस को 2 सीटें जबकि महागठबंधन को 20 सीटें यहां पर वीएमआर के सर्वे में दी गई हैं। इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे अलग अलग सर्वे जो कि किए गए हैं यूपी, क्योंकि सबकी निगाहें यूपी पर टिकी हुई थी और ईवीएम को लेकर एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया है। ये कहा जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, 100% मिलान ईवीएम और वीवीपैट का किया जाना चाहिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ऐसा मुमकिन नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ईवीएम को लेकर अलग अलग विपक्षी पार्टियों ने अब अपना ही राग अलापना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि ये जो सर्वे आ रहे हैं इन सभी सर्वे को दरकिनार करते हुए अब ईवीएम का मैच कराया जाना चाहिए वीवीपैट से ताकि किसी भी गड़बड़ी की आशंका को दूर किया जा सके। बहुत से ऐसे इलाके हैं नेहा जहां पर सुबह भी ईवीएम को लेकर, खासतौर पर क्योंकि आप उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर रही हैं, तो वहीं पर बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर ईवीएम को लेकर हंगामा भी हो रहा है, पुलिस से झड़पें भी हो रही, तमाम पार्टी के नेताओं की भी। जरा सुन लेते क्या कह रहे हैं। की रफ्तनी हो रही है अवैध ढंग से, वहां पर उनको तुरंत जो है कार्रवाई करनी चाहिए और एक पूरा खुला स्पष्टीकरण देश की जनता को देना चाहिए, वरना लोगों का शक बढ़ता जा रहा है, लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए जो है चुनाव आयोग से मेरा आग्रह कि इस मामले में तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाए। इस सिलसिले में एक सभी दलों का एक डेलीगेशन भी आज चुनाव आयोग से मिलेगा, उसमें भी इस शिकायत को दर्ज करेगा, लेकिन जो है चुनाव आयोग को इन शिकायतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि इनका नोटिस लेना चाहिए और तत्काल कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बंद है, 23 तारीख को परिणाम आएंगे, उससे पहले ही इतनी बेचैनी, इतनी बौखलाहट, कहीं ना कहीं ये जो इनकी पराजय जो हुई होने वाली है 23 तारीख को, कहीं ना कहीं उसके लिए कोई एक्सक्यूज ये लोग ढूंढना चाहते हैं, उसके लिए किसी न किसी संस्था को बलि का बकरा बनाने की इन लोगों की कोशिश, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय नहीं आप करवाइए। उसके पहले जरा, चूंकि गाजीपुर, मऊ और कन्नौज की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपको बता दें गाजीपुर ये वो इलाका है मनोज सिन्हा जहां से मैदान में है चुनावी, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से उनकी टक्कर है। मऊ मुख्तार अंसारी के प्रभाव वाला इलाका है, जबकि बात करें कन्नौज की डिम्पल यादव गठबंधन की उम्मीदवार है और कल जो एग्जिट पोल के आंकड़े हमने दिखाए थे वहां पर उनके लिए मुश्किलें हैं, यानी कि राह जीत की इतनी आसान नहीं रहने वाली है। नेहा ने यूपी के आंकड़े आपको बता दिए हैं, पर आप किस
उसका जिक्र करने वाले हैं नवजोत, जल्दी बताइए। हम पंजाब पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, नेहा शायद अभिषेक के पास जाने वाली थी, नेहा जरा बात कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे अगले राज्य की तरफ। अभिषेक से मेरा सवाल ये होगा यहाँ पर नवजोत, क्योंकि सुबह ही आज अखिलेश और मायावती की मुलाकात हुई है, आगे की रणनीति पर चर्चा की जानी है और इस पर एक बाकायदा ट्वीट फोटोग्राफ के जरिए किया गया है। अभिषेक, कौन सी रणनीति, क्या ये बौखलाहट है, गहमा गहमी है, या फिर बुआ और बबुआ इन एग्जिट पोल के आंकड़ों से अब घबरा गए हैं? देखिए नेहा, सबसे पहले तो हम उस तस्वीरों के बारे में चर्चा कर लें जो पिछली रात से तमाम लोगों को परेशान कर रहा है, चाहे वो गाजीपुर का हो, चंदौली का हो, या फिर मिर्जापुर का हो, या कन्नौज की तस्वीर हो। दरअसल जब से एग्जिट पोल आए हैं तब से पूरी तरीके से बेचैनी एक तरीके से देखी जा रही है गठबंधन के खेमे में। ये मानकर चला जा रहा था कि गठबंधन और बीजेपी के बीच बड़ी टक्कर की लड़ाई है और बहुत कांटे की लड़ाई है, लेकिन जैसे ही ये एग्जिट पोल्स आए हैं उसके बाद तमाम लोगों की, खास करके जो गठबंधन से जुड़े लोग हैं, नेता हैं, उनकी बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। जो वीडियो कुछ वायरल हुए हैं उसके आधार पर ये जो गाजीपुर का या मिर्जापुर का या चंदौली का कि जितनी बातें निकल करके आई हैं ये वायरल वीडियो के आधार पर आ रही हैं। बीती रात करीब देर रात को अफजाल अंसारी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और उन्होंने स्ट्रांग रूम के बाहर एक तरीके से धरना दिया था। जब डीएम और तमाम आला अधिकारी वहां पर उन्होंने उस जगह पर पहुंचे तो बात इस बात पर तय हुई कि 3 की जगह अब 5 इनके लोग रखे जाएंगे। यानी कि जो एक लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं ईवीएम्स को लेकर कि कहीं से ईवीएम लाए जा रहे हैं, कहीं ईवीएम पहुंचाए जा रहे हैं, हालांकि इसका कोई फुल प्रूफ ऐसी कोई अभी तक सामने नहीं आया है कि ये ईवीएम को बदलने जैसी कोई चीज़ है, लेकिन कई तरह के वीडियो में, कई तरह के वायरल वीडियो हैं जो अलग अलग जिलों के सामने आए हैं। जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि चूंकि कुछ ईवीएम्स जो कि अनयूज्ड हुए या फिर कुछ ईवीएम खराब हैं उन्हें अलग रखा गया है, खास करके जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं वहां 24 घंटे निगरानी सीसीटीवी की है और 24 घंटे स्ट्रांग रूम में बकायदा पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर में उसे रखा गया है।